जय जिनेंद्र। सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। सभी बच्चे लेक्चर बहुत ही रुचि से सुन रहे थे, सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे। लेकिन उन सभी में से एक बच्चा जो कि एकदम गुमसुम और शांत था, वह बच्चा बहुत ही उदास दिख रहा था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस बच्चे को नोटिस कर लिया, लेकिन 4-5 दिन भी ऐसे ही चलता रहा तो प्रोफेसर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। जब वह बच्चा प्रोफेसर के पास गया तो प्रोफेसर ने उससे पूछा, क्या बात है, कोई परेशानी है तुम्हें? तुम लेक्चर में भी अपना ध्यान नहीं देते और किसी से बोलते भी नहीं हो, कोई समस्या हो तो बताओ। तभी बच्चा हिचकिचाते हुए बोला, सर मेरे अतीत में ऐसा कुछ हुआ है जिसे मैं भूल नहीं सकता और किसी की वजह से मैं इतना परेशान रहता हूं, आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, वे समझ गए। उन्होंने उस बच्चे को अपने घर पर बुलाया और कहा, शाम को मेरे घर आना। जब वह बच्चा अध्यापक के घर पहुंचता है तो अध्यापक उसे अपने घर पे बुलाते हैं और बैठाते हैं और स्वयं चले जाते हैं रसोई में उसके लिए शिकंजी बनाने। शिकंजी में जानबूझकर नमक ज्यादा डाल देते हैं और बाहर आते हैं और बच्चे से कहते हैं, पहले तुम ये शिकंजी पी लो फिर बात करते हैं, और बच्चे के हाथ में शिकंजी पकड़ा देते हैं। जैसे ही शिकंजी का एक घूंट बच्चा लेता है और अपना मुंह बिगाड़ देता है, प्रोफेसर कहते हैं, क्या बात हुई, क्या शिकंजी अच्छी नहीं है? बच्चा कहता है, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, बस नमक ज्यादा है। अरे लाओ दो, मैं इसे फेंक देता हूं, अब ये बेकार हो गई है, प्रोफेसर कहते हैं। तब बच्चा कहता है, नहीं सर शिकंजी में नमक ही तो ज्यादा है, आप थोड़ी सी चीनी लाकर दे दीजिए और जैसे ही इसमें चीनी घुल जाएगी और नमक का स्वाद कम हो जाएगा। प्रोफेसर कहते हैं, बस यही बात तो मुझे तुम्हें समझानी है। हमारी जिंदगी भी शिकंजी की तरह ही है और ये बुरे अनुभव हमारे लिए नमक की तरह है, जिसे मिटाया तो नहीं जा सकता लेकिन उन्हें भुलाया जा सकता है। हमारे जीवन में भी हम मीठी बातें और मीठी यादों का रस घोल सकते हैं। बच्चा बहुत अच्छे से ये बात समझ गया और प्रोफेसर का बहुत दिल से धन्यवाद करता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ये जिंदगी तो बुरे और अच्छे अनुभवों का मिश्रण है। यदि हम भूतकाल की बातों को लिए बैठे रहते हैं तो हम अपना वर्तमान तो खराब करते ही हैं, साथ में हम अपना भविष्य भी खराब कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा मीठी यादों को संजो के रखना चाहिए, ना कि बुरी बातों को। यदि आप सभी को मेरी स्टोरीज पसंद आती है तो मेरी स्टोरीज को लाइक किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।